hello everyone i welcome you on the behalf of rasa international school i hope you all are doing good and safe at your homes today in this video we are going to continue chapter number 12 of class 4th which is states of matter in this video we are going to discuss about changes in the state of matter which is on your book page number 132 to page number 133 so let's start Changes in the state of matter. The state of matter may be changed by heating or cooling it. All such changes are reversible. तो हम जैसे कि आपको पता है कितनी स्टेट ऑफ मैटर होती हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस तो हम स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज कर सकते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर को हम या तो हीट कर, कर या फिर कूल कर कर बाय हीटिंग और कूलिंग हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं और ये प्रोसेस क्या होती है ये प्रोसेस रिवर्सेबल होती है रिवर्सेबल का मतलब समझ में आता है रिवर्सेबल मतलब हम इसको बार बार कर सकते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे कैसे हम आइस को वाटर में और वाटर को आइस में कन्वर्ट करेंगे बाई हीटिंग एंड कूलिंग अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर अब कुछ एक्टिविटी करते हैं सबसे पहले एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं फिर हम इसे टेक्निकली भी समझेंगे कि कैसा होता है तो सबसे पहले फर्स्ट है पोर सम वाटर इन अ बाउल एंड पुट इट इन अ रेफ्रिजरेटर ऑब्जर्व द बाउल आफ्टर अबाउट एन आ व्हाट हैज हैपेंड टू द वाटर इन द बाउल इट हैज टर्न्ड इनटू तो आपको क्या करना है एक बाउल में एक वाटर पोर कीजिए मतलब वाटर भरिए और उसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए यानी कि आप अपने फ्रीजर में रख दीजिए एक घंटे बाद आप देखेंगे कि वो उस वाटर का क्या होगा वो वाटर आइस में चेंज हो जाएगा किस में चेंज हो जाएगा आइस में चेंज हो जाएगा फिर आपको सेकेंड क्या करना है रिमूव द बॉयल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर लीव इट फॉर अबाउट हाफ एन आवर इन अ रूम वॉट डू यू सी आफ्टर सम टाइम द आइज हैज टर्न इन टू अब आपको क्या करना है जो आपने बाउल रखा था ना रेफ्रिजरेटर में ठीक है उसको निकालिए और थोड़ी देर के लिए हाफ एन आवर के लिए आधे घंटे के लिए क्या उसको बाहर रखा छोड़ दीजिए तो आप क्या देखेंगे वो जो आइस है वो मेल्ट होके क्या बन जाएगी वो मेल्ट होके फिर से वाटर बन जाएगी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी बिल्कुल बन जाएगी अब थर्ड टाइम आपको क्या करना है पोर द वॉटर फ्रॉम द बाउल इन टू अ पैन एंड आस्क एन एल्डर पर्सन टू बॉइल इट वॉट डू यू सी ऑन बॉइलिंग वाटर बींग्स टू चेंज इन टू अब क्या होगा अब आप जो बाउल का पानी है ना उसको आप एक पैन में डाल दीजिए ठीक है और किसी एल्डर पर्सन को यानी कि अपनी मम्मा को बोलिए कि आप इसे गर्म कर दीजिए ठीक है जैसे ही आप उसको गर्म करोगे तो आप देखोगे वाटर क्या होगा वाटर चेंज हो जाएगा किसमें चेंज हो वाटर वेपर स्टीम बनती है भाप निकलती है उसमें से निकलती है या नहीं लेकिन ये किसी एल्डर पर्सन की ही से ही करवाइएगा क्योंकि आप यू आर नॉट दैट मच ग्रोन ठीक है फिर क्या करना है आपको आज द एल्डर पर्सन टू होल्ड अ प्लेट ओवर द पेन वॉट हैपन वेन द वॉटर वेपर फॉर्म द पेन टच द प्लेट द दर्न इन टू अब क्या करना है जो वाटर पेपर निकल रहे हैं ना किस में से पेन में से उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए ये भी किसी एल्डर पर्सन से बोलना है आपको जैसे आप उसके ऊपर प्लेट रखवाएंगे तो क्या होगा उसके चारों तरफ क्या हो जाएगी वाटर ड्रॉपलेट्स जम जाएंगी ठीक है उसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी तो मतलब जो स्टीम थी वो वापस किस में चेंज हो गई वाटर में चेंज हो गई तो आप ये देख रहे होंगे इन चारों एक्टिविटीज़ में कि कैसे वाटर की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म हमें मिल रही है बाय हीटिंग और कूलिंग कहीं हम हीट कर रहे हैं कहीं हम कूल कर रहे हैं कहीं हम हीट कर रहे हैं कहीं हम कूल कर रहे हैं व्हेन वाटर इज पुट इनटू द फ्रीजर इट चेंज इनटू आइस डज ऑन कूलिंग मैटर चेंज फ्राम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग तो जब हम वाटर को फ्रीजर में रखते हैं तो क्या हो जाता है वो आइस में चेंज हो जाता है ठीक है तो क्या होता है किसी भी मैटर को अगर हम कूल cool करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में आ जाता है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को फ्रीजिंग क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं फ्रीज कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क इज ऑल्सो अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीजिंग मिल्क से आइसक्रीम बनाना यह भी एक फ्रीजिंग का एक कॉमन एग्जाम्पल है All right, ice cream हम सब खाते हैं, तो आइसक्रीम कैसे बनती है फ्रीज करके बनती है ऑल राइट right, जब भी आप आइसक्रीम लेने जाते हैं तो वो फ्रीजर में से निकाल के देता है आपको देता है या नहीं और राइट नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं योर आइसक्रीम मेल्स वेन यू टेक लॉन्ग टाइम टू ईट इट कभी आपने देखा जैसे कि आपके हाथ में आइसक्रीम है और अगर आप बहुत ज्यादा टाइम लेते हो उसको खाने में तो वो मेल्ट होने लगती है वो पिघलने लगती है ऐसा क्यों होता है एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज हायर देन द टेम्परेचर ऑफ द आइसक्रीम द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग कॉज द आइसक्रीम टू मेल्ट तो क्या होता है क्योंकि आसपास का टेम्परेचर क्या होता है आसपास का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है और जो तो आइसक्रीम है ना उसका टेम्परेचर होता है कम जिसकी वजह से आसपास का टेम्परेचर उसको गर्म करने लगता है और वो मेल्ट होने लगती है वो पिघलने लगती है सिमिलरली वैन द आइज इज पुट आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड इट कैप्ड इन अ रूम इट चेंज इन टू वॉटर दज ऑन हीटिंग मैटर चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग सिमिलरली मतलब इसी प्रकार से क्या होता है अगर आप फ्रीजर से निकाल के आइस क्यूब्स बाहर रख दोगे तो आधे घंटे बाद आप देखोगे जो आइस है कि जब हम किसी भी मैटर को हीट करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो जाता है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना ठीक है तो हम फ्रीजिंग याद रखेंगे और मेल्टिंग याद रखेंगे फ्रीजिंग मतलब होता है कि लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना यानी कि जमना फ्रीजिंग अब मेल्टिंग होता है सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना यानी कि पिघलना इट्स कॉल्ड मेल्टिंग ऑलराइट नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंज इनटू वाटर वेपर और स्टीम व्हिच इज द गैसीयस फॉर्म ऑफ वाटर जैसा कि आपको पता है अगर आप वाटर को बॉयल करेंगे वाटर को गर्म करेंगे ठीक है तो आप सॉलिड को गर्म कर रहे थे अब आप, आप किस को गर्म करेंगे आप लिक्विड को गर्म करेंगे जब आप लिक्विड को गर्म करेंगे यानी कि वाटर को गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज होने लगता है वो चेंज होने लगता है स्टीम में स्टीम मीन्स वो वाटर वेपर्स में चेंज होने लगता है जो कि क्या है जो कि गैसियस फॉर्म है इट मीन्स अगर आप लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है वो गैस में चेंज हो जाता है डज ऑन हीटिंग मैटर चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसेज स्टेट तो क्या होता है गर्म करने पर क्या होगा लिक्विड स्टेट से मैटर किसमें चेंज हो जाएगा गैसेज स्टेट में चेंज हो जाएगा द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस टू इट्स गैसेस फॉर्म इज कॉल्ड वेपोराइजेशन तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं लिक्विड से गैसेस में चेंज होने की प्रोसेस को इसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन क्या कहते हैं हम इसे इसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन When water vapors or steam is cooled, it changes into water. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था जो स्टीम निकल रही है उसके ऊपर अगर आप प्लेट रख देंगे ठीक है आप प्लेट रखवा देंगे किसी से तो क्या होगा फिर से वो वाटर में चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होता है अगर आप स्टीम को ठंडा करेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा वो स्टीम किस में चेंज हो जाएगी वो गैस किस में चेंज हो जाएगी फिर से वाटर में चेंज हो जाएगी दज ऑन कूलिंग मैटर चेंजेस फ्राम गैसेज स्टेट टू लिक्विड स्टेट तो कूल cool करने पर क्या होता है जो मैटर है वो गैसेस स्टेट से किस स्टेट में चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन ऑल राइट गैस से लिक्विड में चेंज होना इसे कहते हैं हम कंडेंसेशन ठीक यू हैव सीन दैट सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एंड देन इनटू गैस अभी हमने क्या देखा अभी हमने ये देखा कि सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज हो रहा है लिक्विड फिर हो जाए चेंज गैस में हाव एवर देर आर सम सॉलिड दैट डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसेज स्टेट लेकिन कुछ कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस स्टेट में चेंज होते हैं सॉलिड से डायरेक्ट चेंज होंगे किस स्टेट में वो गैसेस स्टेट में चेंज होते हैं ठीक है लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होते डायरेक्ट किस स्टेट में चेंज होते, है? होते हैं गैसेस स्टेट में चेंज होते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सबलीमेशन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबलीमेशन। क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबलीमेशन। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कैसे सॉलिड लिक्विड गैस और सॉलिड दोबारा से हमें मिलते हैं और उन प्रोसेसेस को हम क्या क्या कहते हैं ठीक है सबसे पहले हम हीटिंग की तरफ चलेंगे ठीक है हम हीट करेंगे और हीट कर करके कौन सी प्रोसेसेस होती है वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है जैसे कि अगर हमने सॉलिड को किया हीट तो सबसे पहले सॉलिड किस में चेंज होगा सबसे पहले सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में ठीक है और अगर हमने लिक्विड को हीट किया तो लिक्विड किस में चेंज होगा गैस में तो सॉलिड से अगर लिक्विड बनेगा तो उसे हम कहेंगे मेल्टिंग मेल्ट Melt मतलब पिघलना और लिक्विड से गैस बनेगा तो उसे हम कहेंगे वेपराइजेशन क्या कहेंगे हम वेपराइजेशन ठीक है अब कभी कभी क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाती है गैस भी बन जाती है हीट करने पर ठीक है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन ठीक है तो हीट करने पर तीन हो रही रही हैं अगर अगर सॉलिड सॉलिड से से लिक्विड बन बन रहा है तो से अगर बन रही है तो तो मेल्टिंग गैस सब्लिमेशन लिक्विड से अगर गैस बन रही है तो वेपराइजेशन ठीक है ये क्या होता है ये गर्म करने पर प्रोसेस हो रही हैं हीटिंग पर तीन प्रोसेस होती हैं मेल्टिंग वेपराइजेशन है सब्लिमेशन ये तीन प्रोसेसेस आपको याद रखनी है जो कि गर्म करने पर हीट करने पर होती हैं। अब देखते हैं ठंडा करने पर कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। तो सबसे पहले आप अगर गैस को ठंडा करेंगे तो वो किस में चेंज होगा वो वाटर में चेंज होगा ठीक है इस वाटर को इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को कंडेंसेशन ठीक है अब अगर हम वाटर को फ्रीज करेंगे वाटर को अगर कूल करेंगे तो वो किस में चेंज होगा वो सॉलिड में चेंज होगा इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग ठीक है अब एक छोटा सा फिनमिना और है वो क्या है अगर हम गैस को ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में भी चेंज हो जाती है और इसको हम कहते हैं डिपोजिशन तो यहाँ भी तीन प्रोसेस हुई कंडेंसेशन फ्रीजिंग एंड डिपोजिशन ठीक है तो ये टोटल छह प्रोसेसेस हैं जिनको हमें याद रखना है कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं मेल्टिंग फ्रीजिंग डिपोजिशन और सब्लीमेशन ऑल राइट कैंफर एंडलीन आर टू सच सॉलिड दैट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सब्लीमेशन अब सब्मेशन का एक्साम्पल क्या है सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट सॉलिड से किसमें चेंज होते हैं गैसेस फॉर्म में चेंज होते हैं जैसे किन बॉल्स आर पुट इन वोलेन क्लोथ टू कीप दैम सेफ फ्रॉम इन्सेक्ट तो नेफ्लिन बॉल्स जैसे कि आपने देखा होगा छोटी छोटी बॉल्स होती हैं व्हाइट कलर की जो कि हम वुल क्लोथ्स के बीच में रखते हैं ताकि वुल क्लोथ्स में इंसेक्ट्स ना लग जाएं ठीक है दीज नैफलीन बॉल्स स्लोली बिकम स्मॉलर इन साइज़ ओवर टाइम बिकॉज ऑफ सब्लीमेशन ये जो नेफ्तलिन बॉल्स होती हैं छोटी छोटी व्हाइट कलर की बॉल्स ये धीरे धीरे आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे कि ये छोटी होती जाती हैं जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ये छोटी होती जाती हैं ठीक है ना तो ये किसकी वजह से छोटी होती जाती हैं बिकॉज ऑफ़ द सबलीमेशन क्योंकि इसमें सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है द द द एयर प्रेजेंट इन सराउंडिंग चेंजेस सॉलिड बॉल्स स्टेट क्योंकि आसपास का एनवायरमेंट कैसा होता है गर्म होता है इसकी वजह से ये किस में चेंज हो जाते हैं ये सॉलिड चेंज हो जाते हैं गैसे स्टेट में और राइट right? तो ये हमने एग्जाम्पल देख लिया किसका एग्जाम्पल देख लिया ये देख लिया हमने सब्लिमेशन का एग्जाम्पल ऑल राइट So, thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Thank you so much.